वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हर्षनाथ टेंपल। अभी हर्षनाथ टेंपल कहां पर है? ये है सीकर साइड पे एंड इट इज समवेयर अराउंड 110 किलोमीटर आई थिंक। एंड एक बार जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे ना, आपको मजा आने वाला है भाई साहब। तो आज जो लोग हैं इस राइड पे वो है लोकेश, दूसरा है हरमन एंड तीसरा है यश, और चौथा हूँ आज मैं खुद स्वयं। आज मैं जग चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ इनके साथ राइड पे, क्योंकि हमेशा मैं इनको गोली दे देता हूँ कि मैं आऊंगा लेकिन मैं आता नहीं हूँ। लेकिन आज वो दिन आ चुका है, हम उठ चुके हैं। मैं आ गया। हेलो हेलो। तो आते आते ये जो हमारे भाई साहब हैं ये गिर चुके थे, बट आई होप नथिंग हैज बीन डन जो मेरे दिल को चोट पहुँचे। ऑल राइडर्स सरप्राइजिंगली दो राइडर्स और ऐड हो गए, वन ऑन द BMW एंड अनदर वन ऑन दैट इम्पल्स 200 अगेन। सो लेट्स गो। तो इस राइड को मैं नाम दूंगा एनिवर्सरी राइड। एंड अब आप सोचोगे कि एनिवर्सरी किसकी है? तो एनिवर्सरी है नन अदर देन मेरी शेरा की। आज से ठीक एक साल पहले मैंने शेरा ली थी। तो इस साइड हम जनरली बहुत कम राइड करते हैं, बहुत कम, क्योंकि या तो जयपुर वाले जाते हैं दिल्ली हाईवे पे या वो जाते हैं आगरा हाईवे पे। सीकर हाईवे पे बहुत ही कम आते हैं। आजकल जयपुर वालों में दो ट्रेंड आ रखा है, एक तो साइकिलिंग और दूसरा इम्पल्स 200 को मचकाना। भाई साहब इम्पल्स ले लेके चलो ऑफ रोडिंग, मतलब फुल ऑफ रोडिंग कर रखी है इसने। पीछे से सबको तांजा मटा रखा है, एकदम रॉ पावर। चलो भाई साहब बनाओ इसको आंधी। तो जिन जिन को नहीं पता, यश जो है अपना रिगाल कस्टम से है। अगर आपको अपनी बाइक कस्टमाइज या कार कस्टमाइज करवानी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। बहुत ही प्यारा वर्क है। BMW GS 310 इज लुकिंग एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा लुक दे रही है मेरे को। बंदे ने कस्टमाइज भी करवा रखी है उसको थोड़ी, इसके अंदर पैनियर गार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, पैनियर माउंटिंग, एंड आगे भी इसने पूरी माउंटिंग करवा रखी है। एंड इट्स लुकिंग फैब। एंड रास्ता आप देख लो, 2 lane, नो वन इन बिटवीन, जस्ट क्रूज ऑन योर हाईवे। तो ये लो जी, ये होगा अपना पहला ब्रेक फॉर दी चाय। वैसे तो मैं चाय घर से पी के आया हूँ, लेकिन अपने भाइयों को भी पीनी है तो उनके लिए तो रुकना पड़ेगा ना। चलो जी, तो अपन ने चाय पी ली, बहुत ही प्यारी चाय थी, राजस्थानी ढाबा। अब अपन आगे जाएंगे, हरमन जो है लीड करने वाले क्योंकि उसने मैप लगा लिया है, अब हम लोग बस उसको फॉलो करेंगे। ये देखो ये उधम देख रहे हैं इसकी। अब इसे ही फील ले रहा है। ऑल राइट, तो हमने अब नेशनल हाईवे छोड़ दिया है, नाउ वी आर ऑन स्टेट हाईवे। एंड यही वो रास्ता है जहाँ से आप खाटू श्याम जी के लिए भी जाते हो। तो अगर आपको वाला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। बहुत पुराना वीडियो है मेरा, जब मेरे पास थंडरबर्ड थी, इनफैक्ट अभी भी है। एंड आई लव दीज कर्व्स यार, मतलब देखो आहा सेक्सी। 100 की स्पीड पे गाड़ी फ्लो हो रही है एकदम, ना कोई ब्रेकिंग ना कुछ, चलते जाओ आहा, यही आनंद है राइडिंग के। ये अपन आ गए खाटू श्याम जी के, तो ये है श्याम शरण। अब अगर आप लेफ्ट जाओगे तो खाटू श्याम जी आ जाएंगे। आई एम श्योर अगर आप राजस्थान से हो तो आपने सुना होगा कि खाटू श्याम जी जो है इनकी कितनी मान्यता है राजस्थान में। मतलब मजा आ गया यार, आप खुद देखो एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चारों तरफ हरी हरी वादियां और एक बीच में खाली सड़क, वाह। चलो फाइनली जो मेरा इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। पीछे से टेल बैग हटा दिया है मैंने, अब वो मैंने हरमन के टैंक पर लगा दिया है क्योंकि उसका जो टैंक है वो मेटेलिक है, एंड सैडली मेरा जो टैंक है ये प्लास्टिक वाला है। तो अब अपन उड़ सकते हैं बिना कुछ सोचे, क्योंकि इतनी देर से मैं टेंशन में चला रहा था पीछे देख देख के। oh,
ऑफ रोडिंग हर्षनाथ जी यहीं पे है क्या? हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पे? वहाँ पे। वाह यार, बच्चा रास्ता नहीं है कोई चढ़ने का। अरे मैं समझ गया आवाज का ही किया, ये देख। अच्छा है ना? हाँ, यही है। ऑलराइट, चलो मैं आपको एक व्यू देता हूँ। ये देखो व्यू भाई साहब। अरे भाई साहब बोलने की मुझे बहुत गंदी आदत पड़ गई। बैंक के अंदर हर किसी को भाई साहब भाई साहब भाई साहब कम करना पड़ेगा यार। ऑलराइट, सो इट्स टाइम टू गो ऑफ रोड। फटी 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 लोकेश को पता था कि मेरी जो है अब फटने वाली है, क्योंकि यार एक्चुअली इस बाइक का इतना वेट है ना कि इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग बहुत मुश्किल है। या तो आपके पास स्किल्स हो, एंड अभी ऑफ रोडिंग के स्किल्स अपने पास आए नहीं है। ये देखो, ओ माई गॉड, नाइस यार। ये उड़ता तीतर है भाई, ये उड़ता तीतर है। आई डोंट नो हाउ यू डू इट। क्या ये? ओ ये गो, उड़ जाओ, टेक ऑफ टेक ऑफ। अच्छा ऐसे लगाऊं? ये पीछे नहीं होनी भैया, ये तो यहीं चलेगी। जहां रुक गई वहां रुक गई भाई साहब, आगे पीछे नहीं हो सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग अ डर्ट बाइक। अरे 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 क्या गड्ढे, इसको तो फील ही नहीं होते ब्रो, भगाते रहो बस। अरे नहीं यार, गजब भाई। आई हैव अ क्वेश्चन मिलान, जिंदगी में इतना दुख लेना क्यों है ऐसे 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 करके चला के? ऑल राइट, सो हम लोग हैं यही कुछ 30 किलोमीटर पहले हर्षनाथ के, लेकिन हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे एक फोटो सेशन के लिए। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे हैं। तो अब मैं आपको लोगों से मिलाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आपको नाम बताया था। तो चलो ये तो रहे पहले हमारे लोकेश स्वामी, इनका इंट्रोडक्शन तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अभी थोड़ी देर बाद देना। नहीं मैं दूंगा ही नहीं ना, सब जानते हैं तेरे को भग। हाँ तो मैं यश की जिसकी बात कर रहा था, ये रहा रश। यश बोल दिया बोल, हम दिख ही नहीं रहे ब्रो, एक्सपोजर डार कितने ना, रुक जा लेट मी गोरा कर भाई गोरा। ऑल राइट, तो ये अपना भाई यश जो मैं रिगाल कस्टम्स की बात कर रहा था वो इसी का है। सो इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस तो आपको इसको कांटेक्ट करना है। डाकू डैडी हम इसको बोलते हैं। डाकू डैडी गोली मारू तुझे डाकू डैडी, ठीक है। और ये मेरे बगल में है हरमन, जितनी भी मेरे आपने फोटोज देखी हैं हाई क्वालिटी वाली शानदार वाली बढ़िया वाली वो इसी ने खींची है। सिंह साहब, मैं भी पता ये कह रहा था मैं भाई साहब बैंक में इतना बोलता हूँ ना, भाई साहब ये हो गया भाई साहब वो हो गया, तो ब्लॉगिंग में भी भाई साहब निकलती है, तो ये थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो h.singhsaab, ठीक है। फोटोज एक नंबर अभी इसने खींची वो भी मैं डालूंगा, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिलेगा उसके अगेंस्ट में, प्राइस तो मिलेगा। तो चलो अभी भाई जो है हमारे ड्रोन उड़ा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे और फिर आपको विंड मिल्स दिखाएंगे। ऑल राइट, तो फोटो शूट सबका हो चुका है, सबने फोटो खिंचा ली, सबने इंपल्स 200 राइड करके देख ली। अब हम लोग जाएंगे हर्षनाथ, वी विल कंटिन्यू आवर राइड विच इज 30 to 40, आई थिंक 10 किलोमीटर्स मोर। So let's go.